नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज शाम 5 बजे तुला राशि वाले जातकों के जीवन में, दरअसल 18 जून की शाम 5 बजे तुला राशि वाले लोगों के जीवन में धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसी बड़ी चमत्कार और कुछ ऐसी बड़ी बातें होंगी जिनकी वजह से तुला राशि वाले जातकों के जीवन की सारी समस्याओं से, सारी की सारी दुख तकलीफों से, आर्थिक तंगों से आपको छुटकारा प्राप्त होने वाला है। कार्य व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ोतरी की प्राप्ति होंगे। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में खुशियों की प्राप्ति होंगे और दुख तकलीफों से आपको छुटकारा भी प्राप्त होने वाला है। आपके जीवन में धन दौलत की प्राप्ति होंगे, रुपये पैसे की प्राप्ति होंगे, कई प्रकार के शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे, जीवन में आगे बढ़ने के नए सारे मौके भी प्राप्त होंगे जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर आपको भी जानना है कि आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, आपका रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक से वापस मिल जाएंगे। माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर देव जी का आशीर्वाद भी आप लोगों पर बने रहेंगे। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आपको चौगुनी तरक्की करने के मौके भी प्राप्त होंगे तथा जिन लोगों का इस समय रोजगार व्यापार है उन लोगों को नई सादगी को अपनाने का और जीवन में कुछ नई योजनाओं को बनाने के, आर्थिक स्थिति में बदलाव करने का बेहतरीन मौका भी प्राप्त होगा। यह समय आपके लिए बेहतरीन उत्तम रहेंगे। पत्नी और पति के बीच संबंध भी काफी अच्छे रहेंगे। आपको आपके पार्टनर का पूर्ण सहयोग भी प्राप्त होंगे। आपके कुंडली में धन का योग बन रहा है जिनसे कि आपके घर परिवार में धन दौलत का आगमन होंगे। कोई भी कमी आप लोगों के जीवन में नहीं रहेंगे। हर प्रकार की भरपाई को कर पाने में आप बहुत ही सक्षम रहेंगे, बहुत ही ज्यादा। आप इस समय कई प्रकार के इंतजार करके कार्य काम काजों को पूर्ण कर सकते हैं। तुला राशि वाले लोगों को आज बस एक बात का ध्यान आपको रखने की जरूरत होंगे। आप किसी को भी बिना सोचे समझे कोई भी कार्य न करें, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी को आप न करें, लालच में बिल्कुल भी ना पड़ें। खासकर धन का लालच तो आप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आप किसी भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यानी कि आप जो अलग अलग कार्य कर रहे हैं उनमें भी आप घिरा सकते हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप जितना हो सके सतर्क रहने की जरूरत रहेंगे। इसी के साथ लव लाइफ के क्षेत्र में चल रहे आपके सारे के सारे प्रयास भी सफल होंगे। आप लोगों को इस समय घर परिवार में धन का आगमन होने का बेहतरीन योग दिख रहा है। विद्यार्थियों को भी विद्या के क्षेत्र में बेहतरीन सफलता की प्राप्ति होंगे। आपको अपने कामकाजों में उचित परिणामों की प्राप्ति होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। आप बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे। आपको सफलता की प्राप्ति होंगी, सफलता के कई अच्छे अवसर भी मार्ग हासिल होंगे। आपकी बनाई गई योजनाएं सफल होंगे। आप अपना निजी जीवन का आरामदायक व्यतीत कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होंगी। आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलने वाला है। सफलता की नई ऊंचाई को चुने के मौके मिलने वाले हैं। आप जो भी काम करते हैं उस काम को आप गर्व से करें, आपके लिए नाम अवश्य बनेंगे। धन संबंधित मामले में भी आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होंगी। आपको जीवन में पैसों के बजाय अपनी सेवाओं और कौशल के फेसकर भी विचार करने होंगे। आप अपने जीवन में नए ऑफर की प्राप्ति कर सकते हैं, धन दौलत की प्राप्ति हो सकती है। आपको रचनात्मक ऊर्जा का एक अलग अनुभव प्राप्त होंगे तथा आपको जीवन में आने वाले समय भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से सुकून की प्राप्ति होंगी। मानसिक शारीरिक और परेशानियां भी दूर होंगी। प्रमोशन के साथ साथ हस्तांतरण भी हो सकता है। ऑफिस में आपके साथी भी मदद करने में कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा किया गया मेहनत भी रंग ला सकता है और किसी यात्राओं के दौरान आपको अच्छा फायदा मिल सकते हैं। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होंगी। आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। प्रेम जीवन में आपका बेहतर हो सकता है। अविवाहित लोगों का विवाह अच्छा रिश्ता मिल सकता है। आपकी भावनात्मकता को व्यक्त करने के लिए आपका यह समय बहुत ही अच्छा रह सकता है। आप अपने मित्रों के साथ अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। ढेर सारे खुशियों की प्राप्ति होंगी। घर परिवार में आपके सुख समृद्धि आ सकता है। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। परिवार में भी आपको विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगी। इनकम के
क्षेत्रों में बढ़ोतरी होंगी। लड़ाई झगड़ों से आपको दूरी बनाए रखने की जरूरत होगी। आपके द्वारा बार बार लगातार किया गया प्रयास भी आनंददायक रह सकता है। आर्थिक स्थितियों को मजबूत किया जा सकता है। आप अपने घर परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा के स्थल पर भी प्रोग्राम बनाने कर सकते हैं। ऑफिस के कार्य को भी पूरा करने का मन बना सकोगे। आपके वेतन में बढ़ोतरी होंगे। कारोबार में लाभ के मौके मिल सकते हैं। बिजनेस में आपको अधिक लाभ होंगे और कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क हो सकता है। धन संबंधित मामले में आपके बहुत सारी समस्याओं से आपको लाभ मिल सकता है। आपके मनचाहे इच्छाएं पूरी होंगी और यदि जब कोई जमीन या वाहन खरीदने का मकान खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आप निवास स्थल बदलने पर विचार कर सकते हैं। परिवार के लोगों के साथ आपको जीवन में विशेष बड़ी खुशखबरी का अनुभव होंगे। आप अपने दायित्वों के प्रति ध्यान दे सकते हैं। आपको अपना सच्चा प्यार बहुत जल्द मिल सकता है। आपके घर परिवार में खुशियां रह सकती हैं। आप बच्चों के साथ साथ शॉपिंग करने जा सकते हैं। आपको जीवन में भारी डिस्काउंट मिल सकता है। माता पिता का साथ मिल सकता है। आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ की प्राप्ति होंगी और कई अच्छे कार्य को करने के मौके भी अवश्य हासिल होंगे तथा यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपकी किस्मत भी चमकने वाली है। हीरे मोती की तरह आपके जीवन में लाभ हो सकता है। आपको काल भैरव की कृपा से आपके जीवन चमत्कार हो सकता है। आपको सफलता की प्राप्ति होंगी। सफलता के कई अच्छे अवसर भी मार्ग हासिल होंगे। आपकी बनाई गई योजनाएं सफल होंगी। आप अपना निजी जीवन का आरामदायक व्यतीत कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होंगी। आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलने वाला है। सफलता की नई ऊंचाई को चुने के मौके मिलने वाले हैं। आप जो भी काम करते हैं उस काम को आप गर्व से करें। आपके लिए नाम अवश्य बनेंगे। धन संबंधित मामले में भी आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होंगी। आपको जीवन में पैसों के बजाय अपने सेवाओं और कौशल के फेस कर भी विचार करने होंगे। आप अपने जीवन में नए ऑफर की प्राप्ति कर सकते हैं। धन दौलत की प्राप्ति हो सकती है। आपको रचनात्मक ऊर्जा का एक अलग अनुभव प्राप्त होंगे तथा आपको जीवन में आने वाले समय भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से सुकून की प्राप्ति होंगी। मानसिक शारीरिक और परेशानियां भी दूर होंगी। प्रमोशन के साथ साथ हस्तांतरण भी हो सकता है। ऑफिस में आपके साथी भी मदद करने में कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा किया मेहनत भी रंग ला सकता है और किसी यात्राओं के दौरान आपको अच्छा फायदा मिल सकते हैं। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। प्रेम जीवन में आपका बेहतर हो सकता है। अविवाहित लोगों का विवाह अच्छा रिश्ता मिल सकता है। आपकी भावनात्मकता को व्यक्त करने के लिए आपका यह समय बहुत ही अच्छा रह सकता है। आप अपने मित्रों के साथ अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। ढेर सारे खुशियों की प्राप्ति होंगी। घर परिवार में आपकी सुख समृद्धि आ सकता है। आप दिन रात चौगड़ी तरक्की करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। परिवार में भी आपको विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगी। इनकम के क्षेत्र में बढ़ोतरी होंगी। लड़ाई झगड़ों से आपको दूरी बनाए रखने की जरूरत होगी। आपके द्वारा बार बार लगातार किया गया प्रयास भी आनंददायक रह सकता है। आर्थिक स्थितियों को मजबूत किया जा सकता है।